जो आप कार्यक्रम देखते हो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना समय लगता है, मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना मेहनत लगता है, मजदूर कितने ही। वो जगह है जहाँ पे हमारे प्रदीप मिश्रा जी आए हुए थे, और यही जगह है जहाँ पे बागेश्वर धाम बालाजी सरकार भी भैया लोगों को पाइप बांधने देते हैं और क्रेन वाले अंकल से बात करने। दीपावली के टाइम पे आए थे यहाँ से, दीपावली से अब तक रुके हुए हैं। जी जी, दीपावली से आप निकला था, आप दो निकले थे कि एक निकले थे? दो निकले। एक बार फिर से देख सकते हो भाई किस प्रकार से ऊपर जा रहा है ट्रेन की मदद से। कहाँ कहाँ से आए यहाँ? और UPMP से भी आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और एक बार फिर से पहुंच चुका हूं दही हंडी मैदान पे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK गजपाल पे। तो दोस्तों, मैं आज 4 दिन बाद पहुंचा हुआ हूं और आपको यहां का माहौल दिखाने वाला हूं। यह है रायपुर का दही हंडी मैदान जहां पे कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम लगभग 13 तारीख को समाप्त हो गया है और मैं आज 17 तारीख को 4 दिन बाद पहुँचा हुआ हूँ रायपुर के दही हंडी मैदान पर। और अभी तक वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पे इन लोगों का काम लगातार चल रहा है और अभी तक पंडाल जो है निकला नहीं है। यही वो मेन पंडाल है जहाँ पे हमारे प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हुआ था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक कैसे काम चल रहा है। 4 दिन बाद भी यहाँ का माहौल और क्रेन की मदद से ऊपर के पाइप को निकाला जा रहा है। जो कार्यक्रम आप लोगों ने देखा उस कार्यक्रम के आयोजन में कितना समय लगता है आप इस प्रकार से देख सकते हो, और इसको निकालने में भी बहुत समय लग रहा है। क्रेन की वजह से इसको निकाला जा रहा है। भैया लोगों की मेहनत आप देख सकते हो किस प्रकार से ऊपर में चढ़े हुए हैं, और यहाँ पे लगा है क्रेन, क्रेन में फिट किया जा रहा है पाइप को और फिर उसके ज़रिए नीचे उतारा जाएगा। तो भैया जो है एक एक करके पाइप को निकाल रहे हैं, उसके बाद ये वाले जो मेन पाइप को है क्रेन के द्वारा नीचे उतारा जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। कितना दिन लगा था भैया इसको पंडाल को बनाने में? 10-12 दिन। 10-12 दिन, और अभी 4 दिन हो गए निकालते, और कितना दिन लगेगा निकालने में? बस आज का दिन। आज लास्ट है, फिर ये पूरा खाली हो जाएगा यहाँ पे। तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है आप लोग को, तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैं ये निकालेंगे क्रेन के द्वारा, उसको मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये देख सकते हो क्रेन अब आगे बढ़ रही है और किस प्रकार से पाइप को नीचे लाया जा रहा है। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इस पाइप को नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। जो आप कार्यक्रम देखते हो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना समय लगता है, मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना मेहनत लगता है, मजदूर कितने लगते हैं, और देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये पाइप जो है नीचे आ गया है। ईंट टिका दिया गया है, उसके ऊपर इसको रखा जा रहा है, इसके बाद भैया लोग इसको अलग अलग निकालेंगे। आप लोगों को मैं चारों ओर एक क्राउंड दिखा देता हूँ यहाँ का माहौल। सभी तरफ सामान ही सामान बिखरा हुआ है। यही वो जगह है जहाँ पे हमारे प्रदीप मिश्रा जी आए हुए थे, और यही जगह है जहाँ पे बागेश्वर धाम बालाजी सरकार भी आने वाले हैं जनवरी में। देख सकते हो सामान किस तरह से बिखरा हुआ है। अब क्रेन जो है पीछे जा रहा है और ऊपर भैया लोग को देख सकते हो किस प्रकार से निडरता से ऊपर चढ़े हुए हैं, और बारी बारी से इसी तरह सभी पाइप को निकाला जाएगा। ये देख सकते हो क्रेन की मदद से भाई भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये भाई इतना ज़बरदस्त किस प्रकार से ऊपर जाते हुए है भाई देख रहे हो। और कोई भी सपोर्ट नहीं है ना, सिर्फ क्रेन की मदद से जा रहा है, नीचे रस्सी वस्सी कुछ भी नहीं लगा है। देखते हैं किस प्रकार से ऊपर ले जाएंगे भैया को। और ये भैया चले गए ऊपर और बैठ गए पाइप पे, अब पाइप को फिर से बांध रहे हैं। भैया लोगों को पाइप बांधने देते हैं और क्रेन वाले अंकल से बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अंकल कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से हो आप लोग? रायपुर से ही हो, और बाहर से वर्कर भी आए हैं यहाँ पे, कहाँ कहाँ से आए हैं? हाँ,
दिल्ली से भी आए हैं, देख सकते हो अंकल जिस प्रकार से बता रहे हैं, दिल्ली से भी यहाँ पे वर्कर्स आए हुए हैं। कुछ भी ये लोग यहाँ पे दरी ले जाने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे पाइप निकाला गया है उसको यहाँ पे ट्रक के ऊपर लोड किया जा रहा है। नमस्ते भैया, कहाँ से हो आप? भोपाल। भोपाल से? यहाँ पे कितने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं? यहाँ पर कर रहे हैं 100 वर्कर काम कर रहे हैं। यहाँ कितने दिन से आ गए? हमें हो गए 20 दिन। 20 दिन हो गया। और यहाँ रुके कहाँ हो आप लोग? हम यहीं पर इसके पीछे में रुके थे। इसके पीछे में? तो मतलब दिक्कत क्या क्या आती है आप लोग को इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करने में? कोई दिक्कत नहीं आती, हमारा तो ये रोज का काम है। फिर भी मतलब मेहनत लगता होगा इसके? मेहनत क्यों नहीं लगेगा, मेहनत करते हैं तो मेहनत तो लगेगा। और लोग जैसे कि कार्यक्रम आते हैं देखते हैं उसके बाद ये पूछने की कोशिश करते हैं कि ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किसने किया? नहीं कोई नहीं पूछता। जबकि मेन भूमिका आप लोग की है यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहले हम आते हैं, लास्ट में भी हम जाते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, कार्यक्रम खत्म हुआ से लेकर आखिरी तक आप लोग का योगदान। हम दीपावली के टाइम पे आए थे यहाँ से, दीपावली से अब तक रुके हुए हैं। जी, दीपावली से। और जैसे कि हमारे बागेश्वर धाम सरकार भी आने वाले हैं यहाँ पे, तो उन लोग का उनका कॉन्टेक्ट कौन लिया यहाँ पे? उनका साहु जी लिए हैं। वो वाला कार्यक्रम भी हम ही लगाएंगे। अच्छा, इसी में। हाँ, वो जब भी हम ही लगाएंगे। धन्यवाद। लाइव था यहाँ, लाइव तक मतलब मैं भी ब्लॉगिंग कर रहे ही आया था, लेकिन अचानक जब सांप आया तो मैं भी सोच पड़ गया कि अचानक सांप कहाँ से आ गया। तो मैं जो अपने बैक कैमरे करके मैं वीडियो बनाने लग गया, मुझे नहीं पेड़ थी वही पीपल के पेड़ का, मैं आ गया हूँ। और इधर जो है महाराज, तो ये लोग भैया लोग हैं जो टेंट वाले थे, ये लोग बताएंगे कि सांप को वाकई में देखे थे कि नहीं देखे थे, और सांप यहाँ आया था कि नहीं आया था। तो भैया आप बताइए कि आप सांप यहाँ निकला था कि नहीं निकला था? निकला था। सांप निकला था? सांप दो निकले थे कि एक निकले थे? दो निकले। सांप दो निकले थे। आप देख सकते हैं कि लोग भी बोल रहे हैं कि सांप दो निकले थे, क्योंकि इसमें इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि सांप जो नकली है। निकले थे, सांप असली है। और ये आप लोग रायपुर के हो ना? नहीं, अभी कहाँ? अभी कहाँ हो ये बता दो। अभी हम गुड़ियारी में। गुड़ियारी रायपुर में, जहाँ महाराज जी प्रदीप मिश्र जी का कार्यक्रम हुआ था। इस कथा पंडाल पे नाग नागिन का मिलना एक इतफाक था या कोई बाबा का चमत्कार था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से अपना जवाब दीजिएगा। तो यही वो जगह है जहाँ पे सांप जो है, नाग नागिन जो है निकले हुए थे। यही वो लोकेशन है जहाँ पे भगदड़ मचा हुआ था, भीड़ बहुत ज़्यादा मचा हुआ था। और ये देख सकते हो लेबर भाई लोग काम करते करते थक गए हैं, तो पेड़ की छांव में भी आकर बैठ गए थे। फिर से लोग काम में लग गए हैं। ये देख सकते हो किस प्रकार से उठा के, बहुत बड़ा बड़ा पोल है, उसको उठा के ऊपर ले जाया जा रहा है। और ये जो सामने आपको बाउंड्री दिखाई दे रहा है, जस्ट उसके उस पार रेलवे ट्रैक है, मतलब ये रेल लाइन की मेन जगह है। इस जगह पे डस्ट इतना हो गया कि लगातार यहाँ पे सफाई कर्मी सफाई भी कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इधर एक महिला भी काम कर रही है लगातार, इधर भैया लोग भी लगातार काम कर रहे हैं। एक बार फिर से देख सकते हो भाई किस प्रकार से ऊपर जा रहा है क्रेन की मदद से। यहाँ पे लगभग 100 लेबर जो है लगातार काम कर रहे हैं। और ये जो जगह है, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, आज शाम तक किसी भी हाल में ये साफ़ हो जाएगा, ऐसा भैया लोगों का कहना है। और देख सकते हो कितना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आपने ये पोल तो बहुत जगह लगे हुए देखा होगा, लेकिन ये किस प्रकार से लगाया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख सकते हो सबसे पहले नीचे बेस लगाया जाता है, बेस के ऊपर ये पट्टी लंबे वाली फीट की जाती है कुछ इस प्रकार से। ये देख सकते हो ये नीचे गिरा हुआ है। आप लोग बिहार से हो? कहाँ कहाँ से आए यहाँ? और UPMP से भी आए हैं? कल से यहाँ पे बड़े बड़े सामान को ले जाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों को निपटारा कराने वाले छत्तीसगढ़ के बाहर से आए हुए कार्यकर्ता, जिनके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम संभव हो पाया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी दूसरे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।